नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड में। विकास सक्सेना और आप देख रहे हो विकास जी टेक चैनल। फ्रेंड आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रोलिंग क्यू ऐप के बारे में। इस ऐप को आप किस प्रकार से यूज कर पाएंगे, इस ऐप से फ्री फायर डायमंड कैसे लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आप रोलिंग क्यूब ऐप से फ्री फायर डायमंड कैसे लेंगे। तो आपको अपने प्ले स्टोर करके सर्च बार में सर्च कर देना होगा रोलिंग क्यूब ऐप, जिसे सर्च कर देते हैं। अब आपको यह ऐप इंस्टॉल कर लेना होगा। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल और प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड आपको बता दूं यह एक प्रकार का गेम जिसमें फ्री फायर डायमंड ले सकते हैं, तो आपको इसे प्ले कर देना होगा। जैसे आप इसे प्ले कर देते हैं तो सर्वर का लोडिंग होने लगेगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। वेट करने के बाद अब यहाँ पे आपको गेम चूज कर लेना होगा। यदि आप फ्री फायर के लिए डायमंड चाहते हैं, पबजी के लिए यूसी चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे और भी गेम दिया गया है, आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके उसके बाद सबमिट का ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाता है, तो आपको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना होगा। जैसे आप सबमिट कर देते हैं अब यहाँ पे आपको फ्री में 2000 डायमंड मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस पर टैप कर देना होगा। जैसे आप इस पर टैप करते हैं यहाँ से जो भी डायमंड मिलेगा सीधे आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको गेम खेलना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे यहाँ पे बता रहा है कि यदि आप स्किप भी करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉलो करना है, यदि आप ये वाला लेवल नहीं खेलना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जिससे आपको क्या ऐड देखने को मिलेगा। तो यहाँ से यदि आप गेम खेलना चाहते हैं तो आपको यहाँ से लाइन को मिलाना है और यहाँ से डायमंड लेना है। अब यहाँ पे आपको डायमंड जो भी मिलता है उसके बाद यहाँ पे आपको गेट मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस पर टैप कर देना होगा। जैसे आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ से जो भी डायमंड मिलेगा सीधे आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको गेम कुछ इस प्रकार से खेलना है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से मैं गेम खेल रहा हूँ, यहाँ से आपको भी गेम खेलना है। अब यहाँ पे आपको जो भी डायमंड मिलता है उसके बाद यहाँ पे आपको गेट मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ से बारी बारी से गेट मोर के ऑप्शन पे टैप करके यहाँ से जो भी डायमंड मिलता है आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बारी बारी से गेम खेलना है और यहाँ से ढेर सारा डायमंड लेना है। तो यहाँ से कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ से आसानी से डायमंड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 1350 डायमंड फिर मिल गए। अब यहाँ पे आपको बोनस भी मिलता है यदि आप इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ से आपको डायमंड भी मिलेगा यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको कैरेक्टर भी मिलेगा। तो चलिए इसे करते हैं ओपन। जैसे आप इसे ओपन कर देते हैं अब यहाँ पे मुझे 480 डायमंड मिल गए हैं। अब यहाँ पे इतना कॉइंस भी मुझे मिल गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 कॉइंस भी मुझे मिल गया है। अब यहाँ पे आप मुझे कैरेक्टर भी मिल गया है यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लेम कर देना होगा। जैसे आप क्लेम कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सीधे आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ऐड भी देखने को मिलेगा और उसके बाद इसे आप ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आप इसे बारी बारी से ओपन करके यहाँ से डायमंड ले सकते हैं, कॉइंस ले सकते हैं और कोई भी कैरेक्टर फ्री में ले सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉप टू क्लेम के ऑप्शन पर टैप कर देना होगा। जैसे आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ से जो भी आपको मिलेगा सीधे आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार आप यहां से बारी बारी से इसे ओपन कर देते हैं। अब यहां पे एक बार मैं फिर से इसे ओपन कर देता हूं। जैसे आप इसे ओपन कर देते हैं यहां पे जो भी डायमंड या जो भी कैरेक्टर मिलता है सीधे आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो आपको कुछ इसी प्रकार से आप यहां से बारी बारी से ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में, सीधे आपके वॉलेट में ऐड हो जाते हैं। यहाँ से डायमंड जो मिलता है सीधे आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आ जाना होगा बैक। बैक आने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपका डायमंड शो हो जाता है यदि आपको विड्रॉ करना है, और यहाँ पे ऊपर आपका कितना कॉइन्स है वो भी शो हो जाता है। तो यदि आपको विड्रॉ करना है तो यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इसे टैप कर देना होगा। जैसे आप इस पर टैप करते रहते हैं अब यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप पबजी के लिए यूसी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से पबजी के लिए यूसी भी फ्री में ले सकते हैं। यदि आप फ्री फायर डायमंड ही लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ्री फायर डायमंड भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आपके पास 10,000 डायमंड हो जाते हैं तो आप आसानी से रिडीम कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको 30,000 डायमंड पूरा करना पड़ेगा तभी आप यहाँ से फ्री फायर डायमंड ले सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आप यहां से फ्री फायर डायमंड आसानी से ले सकते हैं। यदि आपके पास ढेर सारा कॉइन्स है उसे आप डायमंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां से आप डायमंड भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डायमंड आसानी से ढेर सारा ले सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आप कॉइन्स भी यूज कर सकते हैं। आपको आ जाना होगा बाइक। बाइक आने के बाद अब यहाँ पर आपको रिडीम का ऑप्शन ऊपर देखने को मिल जाता है, तो आपको इस पर टैप कर देना होगा। यदि आप कैरेक्टर लेना चाहते हैं, अब यहाँ पर यदि आप पबजी के लिए कोई भी कैरेक्टर चूज करना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी कैरेक्टर चूज करके आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। आप जो भी कैरेक्टर यहाँ से विन किए रहेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने कौन कौन सा कैरेक्टर विन किया है। अब यहाँ पे यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस पर टैप करके ले लेना होगा। यदि आप फ्री फायर कैरेक्टर ही लेना चाहते हैं फ्री फायर का ही, तो यहाँ से आपको फ्री फायर सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं अब यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो भी कैरेक्टर विन किया है यहाँ पे शो हो जाता है। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यदि आपको यहाँ से कोई भी कैरेक्टर लेना है तो आपको क्लेम कर देना होगा।
जैसे आप क्लेम कर देंगे तो आपको यहाँ से कोई भी कैरेक्टर मिल जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ से कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं और यहाँ से डायमंड ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।